कंप्लीट रहा है यहाँ पर लूट करेंगे क्योंकि एक फिनिशेस निकाले जरूर से है। अगर मैं बात करूँ ज़ीगोट के बारे में, ज़ीगोट यहाँ पर टीम एक्सेल के ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करते नजर आएंगे। M416 का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज की टीम एक्सो को उन्हें एलिमिनेट करने का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शौक देखने को मिलेगा। जोनाथन यहाँ पर अपनी टीम से एलिमिनेट हो चुका है, यानी ज़ीगोट सिर्फ अकेले बचे हैं, यानी गॉड लाइक से सारा का सारा यहाँ पर प्रेशर एक ही प्लेयर ज़ीगोट के ऊपर पड़ेगा। M416 का काफी अच्छा यूज जरूर से करे हैं। एक्सो के जो फियर से उनके ऊपर डैमेज जरूर से दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कवर काफी अच्छा है, उनके पास हाइट का एडवांटेज है, उनके पास मेडिकेट्स है, उनके पास लूट्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़ीगोट के लिए ज्यादा यहाँ पर गेल हार्ड होने वाला है। जो पूरा का पूरा खेल है, जो सिनेरियो है, इट इज वेरी हार्ड फॉर ज़ीगोट। बट यहाँ पर बात करूँ गॉब्लिन के बारे में, अपना नेट करेंगे, काफी बेहतरीन यहाँ पर नेट का शॉट्स इनके टीम्स के द्वारा देखा जाएगा। हेक्टर में यहाँ पर नेट करेंगे, स्मोक करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी टीम सोल जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली अराउंड जस्ट यूजिंग द ग्रेनेड एंड स्मोक। तो पूरा गेम प्ले यहाँ पर हम ग्रेनेड स्मोक के ऊपर देखने को मिलेगा। टीम TF5 स्पोर्ट्स यहाँ पर रीपर गॉड यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से अपना हाइट का एडवांटेज लेंगे। यहाँ पर सूल गॉब्लिन का डैमेज दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर सूल गॉब्लिन अपने आप को समझ चुके हैं कि यहाँ पर बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंटिटी नूब यहाँ पर टीम एंटिटी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। सूल ओमेगा के बारे में बात करूं तो सूल ओमेगा यहाँ पर अभी नेट करेंगे, एंड सूल से भी बहुत सारे प्लेयर्स अलाइव तो है मैं कहना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज रीपर गॉड के बारे में बात करूँ, रीपर गॉड यहाँ पर सूल के प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे। ओ माई गॉड, जरा सी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा गलती, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा अगर कि गोल नहीं मिला सोल को तो। या इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर सोल। सो या रिपर गॉड यहाँ पर नेट करेंगे नीचे वाले सोल ओमेगा के ऊपर, पूरा यहाँ पर इनका निशाना है, एंड सोल ओमेगा के यहाँ पर नॉकआउट दिया जाएगा, एंड पूरा का पूरा किल निकालेंगे रिपर गॉड। सो या लेट्स सी क्या होता है। सोल अक्षत अपने टीम से अकेले बचे हैं, पूरा का पूरा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक अकेले प्लेयर यानी कि सोल अक्षत के ऊपर है। ये चाहते हैं कि अभी इस मैच में ये ज्यादा डोमिनेंसी ना दिखाए, जस्ट बिकॉज के अकेले प्लेयर है, लास्ट के मैच में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनको लगता है कि ही कैन परफॉर्म वेल इन द लास्ट टाइम ऑफ द गेम। सो या लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर प्रोन करेंगे, प्रोन मोड में अपने आप को अक्षत रखेंगे। ब्लाइंड जैडी जो है उनके सामने इतने सारे प्लेयर्स देख कर ये अभी घबराए नहीं है, क्योंकि अपनी टीम से ये अकेले प्लेयर नहीं है जो इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देर आर 3 मोर प्लेयर इन ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स। सो लेट्स सी, रीपर गॉड अभी भी अलाइव है, M416 का यूज करेंगे, एंड देख रहे हैं कि उनके आस पास कौन कौन सी टीमें हैं। सूल को अभी भी यानी कि अक्षत को नहीं अभी तक देखा गया है कि उनके पीछे अक्षत जरूर से बैठे हुए, लेकिन उन्हें नहीं अंदाजा है कि उनके पीछे कौन खड़ा है। ब्लाइंड जैडी का डैमेज दिया जाएगा। ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर TF5 मुश्किलात पैदा कर सकती है, बट लेट्स सी क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी रोटेशन दिया जाएगा, इनके एक प्लेयर को नॉक किया जाएगा, एक ही प्लेयर को नॉक किया है यहाँ पर सूल अक्षत ने, नॉक किया जरूर से है, और यहाँ पर जाएंगे स्मोक का। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने यूज करा स्मोक का तो काफी बेहतरीन यहाँ पर इनको अपने प्लेयर को बचाने की यहाँ पर जो है हेल्प मिल सकती है। तो यार लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा। शिनिगामी कैन परफॉर्म वेरी वेल जस्ट बिकॉज यहाँ पर इन्होंने नेड किया है, स्मोक का यूज करेंगे, एंड या ही कैन बी द वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा, तो ऐसा वर्ड इनके मैं यूज करना चाहूंगा शिनिगामी, जो कि अभी रोटेशन लेंगे। स्कारल यहाँ पर स्विच जरूर से किया है, यहाँ पर अंदर MX Ares जो कि M416 का यूज करेंगे, अंदर जाने की कोशिश, यहाँ पर चारों तरफ स्मोक ही स्मोक है, लेकिन मेन टाइम पे इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर मेडिकेट का यूज किया। कार्तिक ओपी जो कि TF Esports से है, सूल अक्षत यहाँ पर नेड करने की काफी अच्छी कोशिश है, यहाँ पर सूल अक्षत का देखा जाएगा, एंड लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि सूल अक्षत अकेले ही है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो भारी पड़ सकते हैं सूल अक्षत के ऊपर, लेकिन अक्षत के ऊपर मेडिकेट भी नहीं है, लेकिन मेडिकेट्स देखो किस तरह से जोन के अंदर रहकर ये गेम प्ले कर रहे हैं अपना, सिर्फ और सिर्फ 2 मेडिकेट्स हैं इनके पास, लेकिन क्या होगा आने वाले मैच में आइए देखते हैं। यहां पर एरिस को यहां पर डैमेज दिया जाएगा रीपर गॉड द्वारा, एंड अपने ही प्लेयर को यहां पर बचाने की कोशिश जरूर से करेंगे यहां पर रीपर गॉड। ओ या सो या लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि रिवाइव देने की कोशिश तो करी जा रही है। सूल अक्षत अभी भी बहुत ही अच्छे डिफेंसिव वोल्ट में खेल रहे हैं। नीचे जो है ब्लाइंड की पूरी लाइन अब हमें देखने को मिलेगी। ब्लाइंड जैडी जो कि इनके बिल्कुल सामने स्पॉट किया जाएगा। अब ब्लाइंड रेंज को जो कि प्रोन मोड में है अभी भी, सो अब ब्लाइंड रेंज को यहां पर डैमेज दिया जाएगा, नॉकआउट निकाला जाएगा। ओ माय गॉड, अभी भी 2 प्लेयर्स बाकी हैं ब्लाइंड से, अगर कि इन्होंने किल कंफर्म कर लिया तो बहुत ही बेहतरीन यहां पर इनके लिए ये मैच जाने वाला है। इस मैच में बहुत ही बेहतरीन पायदान पाने की कोशिश यहां पर सूल अक्षत कर रहे हैं, अपनी टीम को वैल्यूएबल बनाने के लिए काफी अच्छी यहां पर कोशिशें देखने को मिलेगी। ब्लाइंड के प्लेयर को डैमेज दिया जाएगा यहाँ पर सूल अक्षत द्वारा। ओ माय गॉड, एक और प्लेयर को नॉक किया जाएगा। ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि इस प्लेयर को भी यहाँ पर दे दिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन जैडी को मिले जाएंगे। ओ माय गॉड, सूल अक्षत ने क्या खेल खेला है। ओ माय गॉड, अक्षत इस
जस्ट एन इनक्रेडिबल प्लेयर। आज तक मैंने ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा जिसने पूरी की पूरी वेशभूषा ही बदल दी खेल की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शूल अक्षत एक और प्लेयर को यहाँ पर ले जाने की कोशिशें करेंगे। ओह माय गॉड, काफी कमेंट डैमेज दिया जाएगा। शूल अक्षत आज इस पूरे खेल में अपना एक ऐतिहासिक रोल निभाते हुए नजर आएंगे। आइए देखते हैं क्या होगा, क्योंकि TF5 जो है अभी भी उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। TF5 के प्लेयर यहाँ पर शूल अक्षत को दिया जाएगा। ओह माय गॉड, TF5 यहाँ पर शूल अक्षत को लेकर चले गए हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो आज अक्षत का खेल था, इट वॉज वेरी वेरी इनक्रेडिबल, वेरी वेरी पैथेटिक गेम। क्योंकि दूसरे मैदान पे मैं कहना चाहूंगा शूल, और दूसरे मैदान पर क्या कर रही है भाई, दूसरे मैदान पर यहाँ पर सोल है। TF5 ने भी काफी अच्छा यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया, लेकिन 10 फिनिशर्स के साथ टीम सोल #2 पर है। इट मींस आने वाले क्षणों में ये काफी बेहतरीन यहाँ पर हमें हिस्ट्रिकल मैच देखने को मिलेगा।